बानी पीटीए की अदम मौजूदगी में कितना नुकसान हो सकता है, या ये समझें कि अगर वो मौजूद होते तो फंड रेजिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता। इमरान खान साहब, बानी शौकत खानम जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम हैं और हम चाहेंगे कि वो बाहर हों। क्या समझते हैं कब तक बानी पीटीए जो है या बानी शौकत खानम जो हैं वो बाहर आएंगे? लेकिन माशाल्लाह जो सुना है, मेरी उनकी अंशीरा से बात हुई थी तो अच्छी सेहत में, अच्छी स्पिरिट्स में उनकी खबर हमें मिलती रही है। आज इस वक्त हम मौजूद हैं शौकत खानम में, हमारे साथ मौजूद हैं CEO शौकत खानम हॉस्पिटल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के डॉक्टर सुल्तान। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाकायदा जो है रमज़ान से कबल फंड रेजिंग का आगाज़ कर लिया है, जो साल 2023 का हदफ था और उसके जो मामलात थे वो कहाँ तक पहुँचे, और इस जो नया प्लान आज अब आपने लॉन्च किया है इसके मतलब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ हमारे डोनर्स का, सपोर्टर्स का, कि जो 2023 के प्लान थे और जो बजट था वो उन्होंने उसको कामयाब बनाया, उस फिगर्स को रीच करने में, उस टारगेट को रीच करने में भरपूर किरदार अदा किया, और उससे जो गुज़श्ता साल था उसकी नस्बत एक बाकायदा हेल्दी इंक्रीज़ था। अब ज़ाहिर है चूँकि इन्फ्लेशन थी तो हमें ज़रूरत भी ज़्यादा फंड्स की थी, लेकिन हमारे डोनर्स ने, सपोर्टर्स ने उस उम्मीद को पूरा किया, और अब ये 2024 का हमारा जो बजटरी टारगेट है ये भी इंशाल्लाह हम समझते हैं कि मीट होगा। सिर्फ हमने अपने डोनर्स को दो बातें बतानी होती हैं, ये हमारा टारगेट है और ये हमारी कारकर्दगी है, ये हम कर रहे हैं। और जब लोगों को ये तसल्ली हो, और ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, यकीन कीजिए इस मुल्क के तमाम जो खैराती इदारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो सबकी कहता हूँ सपोर्ट की जाए, और हमारा डोनर हमेशा ये देख के और उनको पैसे देता है। आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन की फ़िगर थी, मुझे ऐसे लगता था कि हमारा डोनर तकरीबन अपने हाँ उसकी मेंटल हिसाब किताब करके उतना ही फालतू दे रहा है। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता है जी। ये इदारे जब लोग खुद ओन करना शुरू हो जाए ना, खुद अपना समझना शुरू हो जाए, फिर इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये खबरें और ये बातें होती रहीं सोशल मीडिया पे, हमने देखा कि शौकत खानम इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जिस तरह से फ़ंड रेजिंग होनी चाहिए थी वो नहीं है, उस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ऐसा था या बस ये सिर्फ खबरें थी? देखिए, हमें जहाँ तक हमारे पेशावर और लाहौर के कैंपसेस को चलाने के लिए ज़कात और डोनेशन की ज़रूरत है वो लगातार आती रही है, हमें कोई उसमें मुश्किल नहीं आई। ज़ाहिर इन्फ्लेशन हुई है, कीमतें बढ़ी हैं, तो ज़ाहिर उसकी ज़रूरत भी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ की वो उसके मुताबिक ही कुछ इंक्रीज़ भी आया, ये अच्छी बात होगी। सिर्फ जहां हमें थोड़ा चैलेंज आया वो कराची के हवाले से आया, क्योंकि उसके लिए जो, क्योंकि वो नया पूरा प्रोजेक्ट बन रहा, उसकी जो कॉस्ट थी वो तकरीबन 16 अरब रुपये से 30-31 अरब रुपये पर चली गई, वो इतना ज़्यादा गैप था कि वो एक साल में मुकम्मल करना और उसको कैचअप करना इतना आसान नहीं था। तो वो चूंकि हमने थोड़ा उसको एक्सटेंड कर लिया, तो अगले 2 साल में इंशाल्लाह वो पैसे भी रेज़ हो जाएंगे और वो भी 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा, 2025 के आखिर में या 26 के शुरू में, तकरीबन इस टाइम रेंज में इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगा। अच्छा, अब ये जानना चाहेंगे क्योंकि शौकत खानम है बानी पीटीआई के हवाले से, वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं, बानी पीटीआई की अदम मौजूदगी में कितना नुकसान हो सकता है, या ये समझें कि अगर वो मौजूद होते तो फंड रेजिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता, उनकी मौजूदगी या अदम मौजूदगी से कोई फंड रेजिंग में असर पड़ता है? देखिए जी, इमरान खान साहब, बानी शौकत खानम जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम हैं और हम चाहेंगे कि वो बाहर हों, लेकिन याद रखिए कि उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद, अब 2023 का साल तो कई महीने वह हमें अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे डोनर्स और सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी सपोर्ट में कोई कमी नहीं की। ज़ाहिर है अगर वो मौजूद हों, हमें अवेलेबल हों, तो हमारे लिए और आसानी हो सकती है और होगी इंशाल्लाह, लेकिन यह कि इवन उनकी गैर मौजूदगी में जो सपोर्टर है वो बल्कि इस चीज़ का शायद ख़ास ध्यान रखता है कि अगर ये एक चैलेंज है तो इस चैलेंज को मुकम्मल और पूरा किया जाए। लेकिन जहाँ तक ये इस किस्म की र्यूमर्स वगैरह आती है, मैं हमेशा कहता हूँ हमारी मेन वेबसाइट को देख लें, हमारे ट्विटर हैंडल को देख लें, हमारे फेसबुक को देख लें, वहाँ से आपको मुस्तनद खबर मिलेगी, बजाय इसके कि ऐसी उड़ती उड़ाती देखी जाए। अच्छा, क्या समझते हैं कब तक बानी पीटीआई जो है या बानी शौकत खानम जो हैं वो बाहर आएंगे, उनकी सेहत और उन पर जो मुकदमात हैं उस हवाले से कोई बातचीत कुछ इस खबर? मेरा रिसेंट कांटेक्ट तो अभी नहीं हुआ उनसे, तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में कोई मुस्तनद बात नहीं बता सकता, लेकिन माशाल्लाह जो सुना है, मेरी उनकी अंशीरा से बात हुई थी तो अच्छी सेहत में, अच्छी स्पिरिट्स में उनकी खबर हमें मिलती रही है। जहाँ तक सवाल है कि कब तक वो निकलेंगे, अब ये तो अदालतों का फैसला। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान की आप गुफ्तगू सुन रहे थे। शौकत खानम के हवाले से फ़ंड रेजिंग का जो है बाकायदा आगाज़ कर दिया है, लाहौर और पेशावर के हदफ 2023 में मुकम्मल किए हैं, कराची के प्रोजेक्ट के हवाले से इनका कहना है कि कुछ मुश्किलात इनको सामने आई हैं, मगर उम्मीद है कि साल 2025 के आखिर या 26 के आगाज़ में वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। जी।